हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बड़ा अपडेट है। उनका फ्यूचर प्लान के बारे में बड़ी न्यूज़ है, जो कि कंपनी की सीएफओ है प्रिया हल्दीकर, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो कि आने वाले दिनों में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ को मल्टी बैगर शेयर बना सकती है। उसके बारे में अगर आप होल्ड करते हो केपीआईटी को या ट्रैक करते हो, तो आपने इसके बारे में जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हमारे पास कैश बैलेंस अच्छा खासा है और कंपनी आने वाले दिनों में और भी एक्विजिशंस करेगी। आप जानते होंगे मई में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ ने सोमित सॉल्यूशंस नाम के जो यूरोप की कंपनी है उसको टेकओवर कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, जो कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में ही काम करती थी। तो वो कंपनी को तो टेक ओवर कर ही लिया है और उन्होंने कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम और भी कंपनियों से बात चल रही है टेक ओवर के लिए, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कैश बैलेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है फॉर एक्विजिशन। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक्विजिशन करेंगे आने वाले दिनों में, उसके कारण हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कॉम्पिटिशन भी हमारी कम होगी, क्योंकि जो हमारी कॉम्पिटिशन की छोटी कंपनियाँ हैं उन्हीं को हम टेक ओवर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे आने वाले 4 to 5 years में ग्रोथ प्लान काफ़ी रोबस्ट हमें दिख रहा है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले दिनों में। कंपनी ने ये भी कहा है कि हमारे जो टॉप 25 क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के, उनसे भी हमारी बात चल रही है और वो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी उनकी बड़ी बड़ी ऑर्डर्स हमें मिलने वाली है आने वाले दिनों में, जो कि हम लोग जल्दी ही अनाउंस करेंगे, ये भी कंपनी ने कहा है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी का मेन फोकस है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर है और ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है टेक्नोलॉजी पे, जो कि सभी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड की वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लॉन्च कर रही है, तो उसमें हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट है वो काफ़ी हमारे अच्छा डिमांड है, हमारा एक्सपोर्ट का जो है वॉल्यूम कभी कम नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यूएस डॉलर अभी काफ़ी स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़, तो केपीआईटी का रेवेन्यू मैक्सिमम यूएस डॉलर में आता है, तो उसका भी फ़ायदा कंपनी के रेवेन्यू बढ़कर देखने को मिलेंगे एंड प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इनको जो पैसा आता है सब यूएस डॉलर में आता है, तो उसका भी फ़ायदा कंपनी को होगा, ऐसा भी कंपनी ने कहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि पिछले 5 quarters से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2% तक और बढ़ सकता है, मतलब उसका इम्पैक्ट हमें इनके प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल देखा जाए तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का जो ओवरऑल आउटलुक है कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांग बताया है और ये जो अपडेट्स दी है इसके कारण हमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो केपीआईटी को होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी जो गिरा है, अच्छे अच्छे शेयर्स 52 वीक लो के तरफ पहुंच चुके हैं, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया और बाकी फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशंस है, काफ़ी कंपनियां ऐसी है जो 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुकी है। बट अगर आप केपीआईटी का देखोगे तो अभी 504 का आसपास घूम रहा है, जो कि इसका 52 वीक हाई था 800 रुपीज़ और इसका 52 वीक लो था 243 रुपीज़, तो अभी भी बहुत ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं है। हालांकि ठीक है, 500 से लेके 600 के रेंज में घूम रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि मार्केट ओवरऑल वीक है, बट इफ़ यू कंपेयर विद अदर आईटी कंपनीज ऑफ इंडियन मार्केट तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मार्च 2021 में 52 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके कंपेरिजन में डिसंबर 2021 में 70 करोड़ का प्रॉफिट आया था और मार्च 2022 में 79 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अभी जून क्वार्टर अवेटेड है, जून क्वार्टर का रिजल्ट अगर इसका और भी अच्छा आया, अराउंड 85 करोड़ से 90 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी का, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, जो कि कंपनी बोल रही है कि हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि हमारा जो सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 18 से 21% पर एनम के हिसाब से बढ़ते ही रहेगा, तो सेल्स और रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि हमारे शेयर के रेट को सस्टेन करेगा। जब भी मार्केट रिकवर होगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी उसी स्पीड से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फंडामेंटली साउंड, डेट भी कंपनी पे काफ़ी कम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जो कि मोनोपोली कंपनी है इस क्षेत्र में। बहुत कम कंपनियाँ हैं इंडियन मार्केट की जो काम करती है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर,
तो इसीलिए और अल्टरनेटिव जो एनर्जी है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी कंपनी काम करती है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काम कर रही है, तो ऑल इन वन शेयर है ये। आईटी सेक्टर का भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी है और रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। तो इसीलिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली मल्टी बैगर बन सकता है। कंपनी का ये जो स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रॉमिसिंग है आने वाले दिनों के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने केपीआईटी को होल्ड किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या रेट में लिया हुआ है और आपका टारगेट क्या है। बट आने वाले 1 से 2 साल में केपीआईटी का शेयर हमें जो अभी 500 के आसपास है वो 1500 से लेके 2000 के लेवल पे दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर है टू होल्ड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अभी इस गिरते हुए मार्केट में बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से अपने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के शेयर थोड़े बहुत बाय करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू फ्रेंड्स।